के चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कैंपस में बने ट्रॉमा सेंटर के बाहर शोक सभा का आयोजन किया गया। बीती रात बलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र पाल की मौत के बाद जिला चिकित्सालय में शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां जनपद के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, CDO, राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला समेत विभाग के तमाम अधिकारी, कर्मचारी गण मौजूद रहे। सभी ने स्वर्गीय डॉक्टर जितेंद्र पाल के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके परिवार को संवेदना जाहिर की। आपको बताते चलें कि बलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोरोना पॉजिटिव थे, जिनका इलाज लखनऊ PGI में चल रहा था, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई। शोक सभा में पहुंचे राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है और सरकार उनके परिवार के साथ खड़ा है। इस घटना को लेकर कहा कि COVID-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ये बात लोगों को समझनी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन जरूर आ गई है, लेकिन सभी को सतर्क रहने के साथ कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। आज के दुखद समाचार ने हम सभी को स्तब्ध कर दिया। एक अत्यंत ही संवेदनशील और बलिया की चिकित्सकीय व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए संवेदनशील प्रयास करने वाले हम सभी के CMO डॉक्टर जितेंद्र पाल जी का असामयिक निधन हो गया। हम सभी ने अपना गहरा दुख व्यक्त किया है। उनके परिजनों को इस अवसर पर ईश्वर शक्ति दें और सरकार उनके परिजनों के साथ खड़ी रहेगी। हम सभी एक बार फिर डॉक्टर जितेंद्र पाल जी की सद प्रयासों की स्मृति को नमन करते हुए उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कोरोना को बहुत हल्के में ले रहे हैं। उनका कहना है कि अब कोरोना नहीं है, लिहाजा हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे जो आवश्यक है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी कोरोना बढ़ जाता है। हाल में देखा गया है कई देशों में या फिर अपने भी देश के कुछ क्षेत्रों में। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम सभी लगातार अनुरोध करते हैं, सरकार के स्तर से भी, व्यक्तिगत स्तर से भी, कोरोना पूरी दुनिया में 18 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना कारण अपनी जान गंवाई है। भारत में भी 1.5 लाख से अधिक लोगों की जानें गई हैं। अभी भी हमें सजग रहने की आवश्यकता है। यह बार बार अनुरोध किया जा रहा है, COVID-19 समाप्त नहीं हुआ है। जो इसके प्रोटोकॉल हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमसे अनुरोध कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सभी को उसका पालन करना चाहिए। अपने समाज, परिवार और अपनी जान को बचाने के लिए आवश्यक है कि हम मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। और यह भी एक अच्छी खबर आई है हम लोगों के लिए कि वैक्सीन भी आ गया है और मकर संक्रांति से उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होगा। हम सभी उसको लाभ उठाएं और निश्चित रूप से कोरोना को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना और वैक्सीन लगवाना ये आवश्यक होगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।